हमारी अनमोल भारतीय संस्कृति पर हमला करने वाली विदेशी कल्चर की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसका सबसे ज्यादा असर वैलेंटाइन डे के मौके पर देखने को मिलता है। वैलेंटाइन डे के बैकग्राउंड में प्यार की विभस्त प्रस्तुति देखने को मिलती है। आए दिन होने वाली पार्टियों में युवक युवतियों में शराब, धूम्रपान, नशीली दवाओं का सेवन आदि देखने को मिलता है। चिंता की बात है कि इस दौरान महिलाओं के खिलाफ हिंसा का दर काफी हद तक बढ़ जाता है। साथ ही इन दिनों लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए तेज गति से वाहन चलाने से भी दुर्घटना होती है। ऐसा होने से रोकने के लिए 14 फरवरी को राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से निषेध सभा का आयोजन किया गया था। साथ ही रस्ते पर रैली निकाल कर इस दिन का विरोध किया गया। हमारी भारतीय संस्कृति आज वैलेंटाइन डे मनाने के पीछे लगी है। आज 14 फरवरी को हमारे कई भारतीय सेनाओं के जवान शहीद हुए थे, तो आज राष्ट्रीय बजरंग दल और पूरे युवा कार्यकर्ता आज से 14 फरवरी को हम शहीद दिन करके मनाएंगे। जय श्री राम। कैमरामैन प्रवीण के साथ सनी भोंगाड़ी, शंखनाद न्यूज, नागपुर। एक बार फिर खुलासा हुआ है कि शहर के बड़े ओयो होटल्स में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। इस कड़ी में पुलिस ने बुधवार रात बेलत रोड़ी थाना क्षेत्र के कृष्णा कुंज होटल में छापा मारा। इस छापेमारी में 15 साल की नाबालिग लड़की को वेश्यावृत्ति के आरोप में हिरासत में लिया गया। इस मामले में छत्रपति चौक में रहने वाले होटल मालिक राकेश बलवीर सिंह चावला उम्र 55 साल और उनके बेटे आशीष राकेश चावला उम्र 22 साल समेत 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अधिकांश वेश्यावृत्ति के अड्डे बेलत रोड़ी पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर चल रहे हैं और उसे पुलिस और अपराध शाखा के एसएसबी टीम के कर्मियों का सीधा समर्थन प्राप्त है। ऐसे में यह बात सामने आई है कि मनीष नगर इलाके के कई होटल और ओयो होटल्स में पुलिस के आशीर्वाद से देह व्यापार चल रहा है। मनीष नगर में श्रीजी ऑटोमोबाइल्स के पास रेलवे क्रॉसिंग के पास कृष्णा कुंज ओयो होटल में पिछले कुछ दिनों से ग्राहकों के लिए कम उम्र की लड़कियों को लाने के लिए जाना जाता था। होटल मालिक राकेश चावला और उनके बेटे आशीष चावला ने कुछ नाबालिग लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए होटल में रखा था। मैनेजर धीरज और उनके दो साथी ग्राहकों को 5 से 10 हजार रुपए लेकर लड़कियां उपलब्ध कराते थे। इन लड़कियों को 500 से 1000 रुपए देकर आर्थिक और यौन शोषण किया जाता था। जैसे ही यह बात का एहसास हुआ कि एसएसबी टीम देह व्यापार के अड्डों पर कार्रवाई नहीं कर रही है, अपराध शाखा के सहायक पुलिस आयुक्त डॉक्टर अभिजीत पाटिल के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई में ग्राहक के कमरे में से 15 साल की लड़की को हिरासत में लिया गया और उसी के साथ शहर में चर्चा है कि क्राइम ब्रांच के डीबी दस्ता और एसएसबी दस्ते के आशीर्वाद से देह व्यापार का अड्डा खोला जा रहा है। कैमरामैन प्रवीण के साथ सनी भोंगाड़ी, शंखनाद न्यूज, नागपुर। एक गैस ग्रेड मरम्मत की दुकान में 2 रसोई के सिलेंडर में विस्फोट होने की बात सामने आई है। सौभाग्य से इस दुर्घटना में कोई जीवित हानि नहीं हुई। घटना चंद्रपुर के बल्लारपुर कस्बे में बुधवार देर रात को घटी। मिली जानकारी के अनुसार बल्लारपुर शहर रेलवे स्टेशन चौक स्थित राजमार्ग पर एक गैस ग्रेड मरम्मत की दुकान है। कल रात को एक ही दुकान में एक के बाद एक 2 सिलेंडर फट गए। इस विस्फोट से दुकान पूरी तरह नष्ट हो गई। इस दुकान के अगल बगल अन्य प्रतिष्ठान भी है। इस विस्फोट से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। गंभीरता को समझते हुए नगर पालिका और बल्लारपुर पेपर मिल की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। शंखनाद न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ईवीएम हटाओ, लोकशाही बचाओ, बैलेट लाओ, देश बचाओ के नारे लगाते हुए रिपब्लिकन आघाड़ी लोकशाही की ओर से मोर्चा निकाला गया।
शहर के वैरायटी चौक गांधी पुतला बर्डी से यह मोर्चा संविधान चौक तक निकाला गया। भव्य नारे निर्देशन रिपब्लिकन आघाड़ी लोकशाही मोर्चा की ओर से किया गया। इस मोर्चे में प्रमुख रूप से मौजूद अरुण बनकर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ईवीएम मशीन इलेक्ट्रिक होने के कारण उसमें धांधली हो रही है, इसलिए बैलेट द्वारा ही सभी चुनाव होना जरूरी है। जब हमारे वैज्ञानिक अंतराल में हजारों किलोमीटर दूर चंद्रयान को पृथ्वी से ऑपरेट कर सकते हैं, तो ईवीएम मशीन में तकनीकी धांधली क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम को हटाना बेहद जरूरी है। कैमरामैन प्रवीण के साथ सनी भूंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर। कल फिर मिलेंगे राज्य भर की अहम खबरों के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।